मैं हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन एडवोकेट चरखी दादरी ब्रांच ऑफिस हमारा करनाल का राज्य महासचिव होने के नाते आज जो ये हमने पुतला दहन का कार्यक्रम किया ये बड़े मजबूरी में किया, हमें कोई शौक नहीं है इसका। लेकिन जिस अधिकारी से हम बार बार कहते थे कि डेली बेसिस का कर्मचारी हमारा भूखा मर रहा है एक साल से और उनको तनख्वाह दे दे, लेकिन उस अधिकारी का चूँ तक नहीं रहेंगी। और ये हमने मजबूरी में सारे हरियाणा में ये चिट्ठी फेंकनी पड़ी, अकि हमने सारे हरियाणा में उसके पुतले दहन करने का आल एसीज के माध्यम से उसको मांग पत्र देने का और उसका पुतला दहन करने का प्रोग्राम बनाया। उसकी 31 तारीख को रिटायरमेंट है। हमने ये सारी बातें सोचने के बाद भी उस अधिकारी को जो नहीं रहेंगी और हमारे डेली वेज का कर्मचारी, हम बैंक से जो सरकार ने ये कह दिया भाई इन लोगों को बैंक से तनख्वाह दे दो, वो इस बात को भी लागू नहीं कर रहा। जो कुशल रोजगार पर सरकार ने इस बात को रख दिया, कुशल रोजगार पर इन डेली वेजेस को चढ़ा दो, उसने वो नाम नहीं चढ़ा रहा। तो कच्चे कर्मचारियों को आज एक साल में आज तक तनख्वाह नहीं दी, तो इन लोगों का कहाँ जाए, ये लोग भूखे मर रहे। इस आदमी इस इंजीनियर चीफ को शर्म नहीं आती कि भाई ये कच्चे कर्मचारियों को आज ये कह रहे हमने 55 लाख इशू कर दिए। अरे कल हम जब बातचीत करने के लिए तेरे पास आते तेरे टाइम नहीं दिया हमारे को, और आज तेने ये बात हम जब इस प्रोग्राम को करने के बाद, और अभी तो हमारा प्रोग्राम चलेगा, हमारी जो मांगे हैं उनको समय रहते उचित समय पर बातचीत के बाद हमसे समय निपटा दे, नहीं तो ये हमारा प्रोग्राम चलेगा और 31 तारीख की उसकी रिटायरमेंट की बहुत दुर्गति कर देंगे। धन्यवाद। 11/7/2022 आज हमारा 11/7/2022 को केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 16 सूत्रीय मांग के ऊपर प्रमुख अभियंता श्री प्रवीण ढाका द्वारा टाइम ना देने के विरोध में उनसे हमने 2-3 बार मिलकर के व्यक्तिगत अनुरोध किया और बातचीत के माध्यम से सभी मांगों का हमारा समाधान किया जाए। संगठन बातचीत के माध्यम से समाधान करवाना चाहता था, लेकिन उनका तानाशाही और सद्दाम हुसैन की तरह तानाशाही रवैये की वजह से संगठन को समय नहीं दिया बातचीत के लिए। उसके विरोध में आज हमने 16 सूत्री मांग पत्र के ऊपर आज विरोध स्वरूप उसका पुतला दहन किया है और 11/7 से पुतला दहन का कार्यक्रम जारी होने के बाद 25/7/2022 को ये समापन होगा पुतला दहन का कार्यक्रम चंडीगढ़ सर्कल पर। उसके बाद हम केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुला करके 16 सूत्रीय मांग पत्र पर बातचीत नहीं होती, समाधान नहीं होता, तो 31/7/2022 को उनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ के मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा का प्रदेश का पूरा कर्मचारी अगर उनका समाधान नहीं किया गया तो हम रिटायरमेंट पार्टी सेवानिवृत्ति की जो फेयरवेल पार्टी होनी है उस पार्टी को भी होने देंगे। संगठन में पूरा प्रदेश में इस तरह का ज़बरदस्त रोष है, इस रोष को देखते हुए हम अनुरोध भी करते हैं समय रहते संगठन की सभी मांगों का समाधान बातचीत के माध्यम से करे, अन्यथा संगठन अपने पूरे प्रोग्राम के साथ पुतला दहन का प्रोग्राम जारी रखेगा। जो पुतला दहन का कार्यक्रम होगा जिला वाइज होगा या कैसे? जिला वाइज होगा, हमारे सभी जिलों में सर्कल लेवल पर परिमंडल लेवल पर ये पुतला दहन का कार्यक्रम है। सभी सर्कलों पर पुतला दहन करते हुए 25/7/2022 को आखिरी पुतला दहन चंडीगढ़ सर्कल पर होगा। नाम बताओ पहले तो। ठीक है, महेंद्र सिंह से आज मैं महेंद्र सिंह सियाग हमारा केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर हमारा जो 11 सूत्रीय मांग पत्र EIC PWD BNR को दिया गया था उसकी हमने काफ़ी बार प्रयास किए। 31/7/2022 को EIC BNR की रिटायरमेंट है, उसकी रिटायरमेंट से पहले संगठन ने काफ़ी प्रयास करे और जो 11 सूत्रीय मांग पत्र है हमारा फील्ड कर्मचारियों की समस्याओं का हम मीटिंग करके समाधान करें, बातचीत के माध्यम से हम समाधान कराना चाहते हैं, लेकिन EIC की तानाशाही और घमंडपूर्ण प्रति के खिलाफ संगठन में काफ़ी रोष था। उन्होंने एक भी बात संगठन की ना मान करके अपना तानाशाही रवैया दिखाया, जिसका संगठन में रोष स्वरूप आज जो प्रोग्राम दिया गया ये पहला प्रोग्राम था रोहतक में, आज उसका पुतला दहन करके विरोध जता गया और 25/7/2022 को SC चंडीगढ़ के खिलाफ
धरना दे करके रोष प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा और 31-7 को केंद्रीय कमेटी चैलेंज करती है। 21-7 से पहले हम पूरी तैयारी के साथ 31 तारीख को रिटायरमेंट के टाइम इसका चंडीगढ़ मुख्यालय में पुतला दहन करेंगे और इसको आगाह करते हैं, या तो 31 तारीख से पहले सुधर जाए, नहीं तो 31 तारीख को पूरा संगठन, पूरा हरियाणा के कर्मचारी को लेकर के 31 तारीख को इसका पुतला दहन करके इसकी सेवानिवृत्ति की पार्टी नहीं होने दी जाएगी। ये हमारा चैलेंज है संगठन। नारे। जिन्दाबाद, 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 जिन्दाबाद,